मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर की तहसील लड़भड़ोल की ग्राम पंचायत खद्दर के अंतर्गत कृषि विक्री केंद्र खद्दर की दयनीय हालत को लेकर खद्दर पंचायत के लोगों सहित जोगिंद्रनगर ब्लॉक कांग्रेस के महासचिव एवं स्थानीय निवासी विक्रमजीत सिंह ने कृषि विक्री केंद्र को लेकर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि एकमात्र खद्दर पंचायत में बने कृषि विक्रय केंद्र की दीवारें टूटने की कगार पर है और साथ ही यहां शराबियों का अड्डा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस भवन की न ही मरम्मत करवाई और न ही कर्मचारी तैनात किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को बिजाई के बीज के लिए 8 से 10 किलोमीटर दूर लड़भड़ोल जाना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कृषि विक्रय केंद्र खद्दर के भवन की मरम्मत जल्द करवाई जाए। आज हम खद्दर पंचायत के कृषि विक्रय केंद्र के प्रांगण में खड़े हुए हैं, जिसकी जो है बहुत ही दयनीय हालत है। और हमने सरकार और प्रशासन से कई बार मांग की है कि यहाँ पर जो है हमें कर्मचारी उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन ना ही हमारे विधायक महोदय ना ही सरकार ने हमें यहाँ खद्दर में कोई कर्मचारी उपलब्ध करवाया, क्योंकि हमें बीज लेने के लिए यहाँ से 8 किलोमीटर मोल में जाना पड़ता है और वहां पर हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। अगर खद्दर में जो है विक्रय केंद्र जो है फिर से खोल दिया जाए तो यहाँ कम से कम 7 पंचायतों के बसिंदों को जो है इसका फायदा होगा, जैसे कि कोलंग, खुडी, रक्तल, बघैर, तुला, लांगणा, कथोन, ये सारी पंचायतें जो हमारी नजदीकी की पंचायतें हैं। और ये जो है आजकल जो है शराबियों का जो है अड्डा बन चुका है, क्योंकि यहाँ अक्सर शाम को जो है लड़के जो है शराब पीने बैठे हुए होते हैं और कमरे में आपने देखे होंगे कि शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि इसको तुरंत से तुरंत चालू किया जाए और यहाँ पर एक कर्मचारी के तैनात भी की जाए।